last question. मैं लास्ट से माफ़ कीजिए, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं राजदीप सरदेसाई, अब वो अंग्रेज़ी के जर्नलिस्ट हैं, तो बीच में उन्हें ख्याल आया शायद कि भाई मैं इतना कामयाब अंग्रेज़ी का जर्नलिस्ट हूँ तो मैं हिंदी में भी एक अगर इंटरव्यू वगैरह किया करूँ तो और भी ऑडियंस तक पहुँचूँगा, तो उन्होंने हिंदी में एक शुरू किया और मेरी किस्मत के पहला आदमी मैं था। तो वो जैसे भी अपनी ज़बान से थोड़े अटक के कूद के फांद के सवाल कर रहे थे, आखिरी सवाल उनका, चूँकि अभी आपने आखिरी सवाल का उससे मुझे याद आया, कहने जावेद साहब आपको इतने अवार्ड मिल गए, आपकी फिल्में इतनी चल गई, गाने सुपर हिट हो गए, आपकी पोइट्री अप्रिशिएट हो गई, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? तो मैंने कहा कि राजीव साहब ये इस इंटरव्यू के बाद आप मुझे फांसी देने वाले हैं या गोली मारेंगे? तो चलिए साहब आखिरी सवाल का आखिरी जवाब हो गया, हो गया। नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं एक एक मोहब्बत का रिश्ता गुलजार साहब से, वो मेरा भी सलाम कहिएगा। तो रहा हमेशा। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि साहिर का जो मिसरा है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, इसको कैसे डिफाइन आप दोनों करेंगे? आपका सवाल अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखें कि हर नज्म या हर शेर या हर गज़ल जो है वो शायर ने एक ख़ास मूड में लिखी है, ख़ास लम्हे में लिखी है। तो ये देखिए कि क्या ये बात जो कही जा रही है वो यूनिवर्सल नहीं है लेकिन एक पल की हकीकत है, तो ये बात कितनी अच्छी तरह कही गई। गुलजार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये आखिरी सवाल का आखिरी जवाब था। अच्छा, ये कमाल ये है कि हम लोग यहाँ जमे इसलिए हुए हैं, इन्होंने मुझे याद दिलाया, मैं भूल गया था कि एक किताब है जादूनामा जिसको ये रिलीज करने वाले हैं, ये बात हम सबके दिमाग से निकल गई। तो अब उसमें करवा दीजिए जो होना है, और मैं चाहूँगा कुछ और लोग भी स्टेज पे आएँ, और वो एक होता है सब किताब लिए खड़े, तो उससे मालूम होगा ना किताब काफ़ी पॉपुलर है। के ये अर्ज़ करूं कि मुझसे जो अक्सर कहा जाता है, मैं रेफरेंस में ही कहा जाता है कि आप अच्छा भला लिखते थे, मोरा गोरंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे, अब ये अरे बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया कहाँ से आ गया भाई, ये आप क्यों करने लगे? और मुझे जावेद साहब ने दाद दी थी, और यकीन मानिए कि बहुत से जो ऑडियंस में बैठे हुए पूछते हैं, और जब मैं उन्हें कहता देखे ये तो जावेद साहब को भी बहुत पसंद आया था, तो फिर खामोश हो जाता, तो मुझे तो गवाही मिल जाती है। नहीं, हम लोग जयपुर में एक बार थे, हम लोग एक ही स्टेज पे जयपुर में थे, और किसी ने कहा, तो मैंने कहा मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं रश करता हूँ एनी वी हिम कि ये गाना उन्होंने लिखा, काश मैंने लिखा होता, ये कमाल का गाना है। वो गाने को देख के आप कह सकते हैं कि एक फिल्म के लिए लिखा गया है, वो गाने की एक एक लाइन ऐसी है जो ऐसा लगता है कई सौ साल से लोग गा रहे होंगे, ये फोक सॉन्ग है। जी आदाब, मेरा नाम वजीहुद्दीन है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। गुलजार साहब ने कहा कि झगड़ा नहीं करते आप, लड़ाई नहीं करते, लेकिन मुझे याद आता है किसी बॉम्बे में कई साल पहले डॉक्टर रफीक जकरिया की किताब का इजरा हो रहा था, खुशवंत सिंह भी वहाँ थे, और वहाँ बात खुदा की चल रही थी, डिस्कवरी ऑफ गॉड की बात हो रही थी, तो खुशवंत सिंह को डॉक्टर रफीक जकरिया ने कहा था कि तुम जो है खुदा से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हैव पीस विथ गॉड एंड आई विल प्रोमिस अ प्लेस इन जन्नत।
अब न खुशवंत सिंह है न रफीक जकरिया है, मैं तो जन्नत की जमानत नहीं दे सकता आपको, लेकिन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ इस महफिल में, कि खुदा से आपका झगड़ा क्यों, कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे क्या राज है जो आज तक आपसे खुदा से कंप्रोमाइज़ नहीं हो सका। सर वो जन्नत में मेरे फेवरेट फ्रूट्स नहीं है, केला वहाँ मिलता नहीं है जो मेरा सबसे, अमरूद नहीं है वहाँ, तो जो मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं वो जन्नत में नहीं, तो हो सकता है कि जहन्नुम में हो, तो मैं इसलिए जन्नत जाने की कभी कोशिश नहीं करता। लेकिन वो लेकिन लड़ाई आइडियोलॉजिकल है, ये बात तो सही है। फ्रूट मुझे बहुत से लोग पूछते हैं ना, स्लाइटली मोर सीरियस नोट, कि वाई आर यू एन एथीस्ट, आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इस वजह से। जी सर, आपसे अब बम्बई बड़ी मसरूफ़ नगरी है, वैसे बेकार तो लोग मिल नहीं पाते, हम लोग की भी मुलाकात कम होती है, लेकिन जब होती है तो भरपूर होती है और दिल भर के होती है। और एक मोहब्बत का रिश्ता गुलजार साहब से, वो मेरा भी सलाम कहिएगा। तो रहा हमेशा, और ये बहुत ये म्यूचुअल लव और रिस्पेक्ट जो है वो बहुत खूबसूरत रिश्ता है, गुलजार साहब से जो रिश्ता है वाकई कम होता है लोगों से, और हम जब भी मिलते हैं तो क्या लिखा है इसके बारे में भी बात करते हैं, एक दूसरे को सुनाते भी हैं। उसमें मेरा फ़ायदा ये है कि मुझे सब याद रहता है और इनको याद नहीं रहता तो मैं ज़्यादा सुनाता हूँ तो बहरहाल मैं गुलजार साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ लाएं। अरे इधर, मैं सेटल हो चुका हूँ, आइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने याद करा दिया वो ज़माना जब आपके साथ बैठते थे, आप कह रहे हैं जब मेरा गोरा अंगुलेले लिखा था तो आप कॉलेज में थे, तो मैं कॉलेज से फेल हो चुका था तो इसलिए तकरीबन साथ साथ ही चल रहे थे, थोड़ा सा पीछे थे थोड़ा सा आगे, तो मैं नौकरी पहले ढूंढ ली फिल्म में आके बिमलदा के साथ, और वहाँ से वो मौका लग गया था। लेकिन ये आपने सही कहा कि वो थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी हुई देख करके ये गुलजार हैं, तो मेरी शायरी वायरी से किसी ने नहीं पहचाना, वो या तो दाढ़ी से पहचाना और या कभी वो मोजरी पहनता था उससे पहचान लेते थे। और अब भी यही होता है कि सफ़ेद कपड़ों से पहचान ले, वरना आपको भी तजुर्बा है कि आपको उन्होंने एयरपोर्ट पे गुलजार समझ लिया था, और मुझे जावेद समझ लेते हैं बहुत से लोग, और वो क्यों होता है ये राज आप शाम को बता रहे थे, अब ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया, लेकिन ये कि ये दोस्ती हमारी कुछ इस तरह हुई कि ये जो एक सांझ हो गई नाम की, और ये समझ में नहीं आया क्यों वही कैसे हुई, और ये अक्सर हुआ वो किस्सा आप ही बताएंगे कि जो आपके साथ हुआ और मुझसे जो हुआ, मैं तो रक्षंदा जी इनके साथ अमेरिका कई दो चार बार गया, कई जगहों पे, कई जहाँ भी जिस शहर में भी यहाँ भी गया, और मैंने इस बात का जिक्र किया कि अब वो मैं तो मैं कहा बाकी तो किताब में मैंने सारा पढ़ लिया, पर मैं चाहता था कि मैं अपनी एक नज़्म मेरी अगर मुझसे पूछते अरविंद जी मिलते किसी वक्त, तो मैं इन्हें ज़रूर कहता कि ये देखिए मेरे मुझसे नहीं पूछा आपने जावेद साहब के बारे में, क्योंकि वरना मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और तो मैं वो ले आया कि भाई ये क्यों नहीं आपने शामिल किया उसमें। अब ये तजुर्बा आप इनसे पूछ, रक्षंदा जी गवाह हैं कि मैं जहाँ भी गया हूँ अमेरिका में ये सुनाई हर शहर में, और
हर जगह मुझे दाद मिली है इस नज़्म की, आप ये अगर कबूल कर लें। आपने तो लिख दिया एक लड़की से मिला, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अब वो हर अंतरे में मुझे लगता है ये दूसरी लड़की है, ये वो पहली वाली नहीं। जितनी बार वो अपनी तस्वीर बदलते हैं ये तो, ये तो कोई और लड़की है, तो हर बार लगता है। और जो वो आपने कि जिंदगी धूप तुम घना साया, तब तक तो ठीक लग रहा था मुझे, मैं लग रहा था कहीं वाकई सही, बड़े सीरियस हैं आप, आपसी घर की बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, या अब घर की है या बाहर की है वो तो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन जब एक लड़की को देखा तो ये महसूस हुआ मुझे कि आप, बहरहाल अब सारी बातें क्यों कही जाए। और लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता था कि ये कैसे हुआ, या पहला हिस्सा आप बता देंगे या दूसरा हिस्सा आप बता दीजिएगा, ये कि एक लड़की को मैं भी मिला था। एक लड़की को मैं भी मिला था, बड़ा अच्छा लगा मिलकर, मेरी मद्दा थी, एक फैन थी मेरी, वो मेरी शायरी की खूबियां पहचानती थी, मेरे मिसरे मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थीं, मेरे मिसरे मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थीं, मुझे मिलकर अचानक बौखलाने लग गई थी, बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं अपना नाम ही ना भूल जाऊं। बड़े नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं अपना नाम ही न भूल जाऊं। बगलगीर हो के मोबाइल पे सेल्फी भी ले ली, गई तो नाम लेकर शुक्रिया कहकर गई, वो मेरा नाम ना था। गई तो नाम लेकर गई वो मेरा नाम ना था। हमेशा से यही डर था कि वो कमबख्त मुझसे अच्छा लिखता है। अरविंद जी, आपकी किताब का सबसे पहला असर मुझ पर ये हुआ जब मैंने आपकी किताब पढ़ी कि यार मेरे पास नहीं आए, मुझसे क्यों नहीं पूछा। उसकी मैं अर्ज करूँगा, अभी बात हो रही थी गुलजार साहब से, हम लोग बैठे थे, तो मैंने कहा किस्सा क्या है कि जो आम है इंसान, जो बहुत एवरेज इंटेलिजेंस के लोग, उनका दिमाग एक कबाड़ खाने की तरह होता है। अब जो चीज़ मिली कबाड़ खाने में डाल दी, जो चीज़ मिली कबाड़ खाने, कोई सिलसिले से नहीं रखते। अब कौन शायर है, अरे ये शायर है ना, वो हाथ डाला निकाला तो जो भी नाम निकल आया वो कबाड़ खाने से, उसमें कोई सिस्टम नहीं है अंदर, तो ये चक्कर है। मेरे साथ भी ये किस्सा हुआ, और जैसे ये गवाह हैं कि इन्होंने हर जगह सुनाया था, मेरे सामने शबाना गवाह बैठी, मैं एयरपोर्ट पे, मैं और शबाना कहीं से आए, उस ज़माने में जेट एयरवेज चल रही थी ठीक से, तो जेट एयरवेज की लड़कियों ने कहा कि आप दोनों बैठिए, हम आपका सामान ले आते हैं। तो हम दोनों एक बेंच पे बैठ गए। अब मेरे बराबर बैठी शबाना, उन्होंने शबाना को नोट लिया के साथ तशरीफ लाए यहाँ 2 फीट पर, मुझे देखा, आदाब गुलजार साहब। तो मैंने कहा जी आदाब। गुलजार साहब एयरपोर्ट पर कैसे? मैंने कहा वो जावेद अख्तर साहब आ रहे हैं, मैं उन्हें रिसीव करने आया। तो वो जरा कंफ्यूज हुआ कि इतना बड़ा आदमी जावेद अख्तर को रिसीव कर रहा। तो कि आप जावेद अख्तर को रिसीव करने आए? मैं हमेशा आता हूं। तो जावेद अख्तर साहब कहीं से भी आए, मैं एयरपोर्ट पर रिसीव करूं। तो उसके चेहरे पे जो डिसअपॉइंटमेंट था, वो फैन गुलजार का और ये जावेद अख्तर को लेने, अच्छा चलता हूँ गुलजार साहब। तो वो किस्सा ही है, वो किस्सा ये है कि जाहिर है कि हमारी सूरत भी नहीं मिलती, और कुछ भी ऐसा नहीं कि आप इसे देख कह के धोखा खा जाए कि ये बिल्कुल एक शक्ल के लोग हैं, भाई क्या करें। वो सिर्फ ये है कि कबाड़ खाने में शायरों के सब नाम और पते एक जगह डाल दिए गए, अब वो खींचा तो उसमें जो भी निकला। कोई
कुछ दिनों पहले गुलजार साहब और जावेद साहब, मुझे याद है कि फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे, तो शबाना जी आपने एक फ़ोटो लेके डाला और कहा कि कैप्शन दिस। तो करण जौहर का एक बहुत प्यारा जुमला था, उन्होंने लिखा कि 116 चांद की रातें और एक ये तस्वीर। तो आज भी वही आलम है, एक ये तस्वीर। और हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि हम आपके साथ स्टेज पे बैठे हैं, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम आपके साथ बैठे। बहरहाल मैं उससे मिलकर पूछूंगा तुमने चांद किसको कहा और रात किसको कहा, पता लगना चाहिए ठीक से। नहीं, वैसे तो चांद का कॉपीराइट मेरा है कि इसलिए ये एक बहुत पुरानी किताब है, एक बूंद चांद। और वैसे कोई और इस्तेमाल करे तो उन्हें रॉयल्टी देनी चाहिए, पर ये कोई रॉयल्टी देता नहीं। लेकिन ये भी ज़रूर है कि मुझसे अक्सर ये पूछा गया कि ये 116 क्यों है, और सच ये है कि मुझे गिनती नहीं आती थी, कहीं भूल गया। तो 116 नहीं थी वो, 117 थी। अच्छा जी हाँ, मतलब ऐसा कोई मतलब इस 117 की गिनती में 116 नहीं 117 होंगे, नहीं तो 119 होंगे। मतलब जैसे एक साल में इतनी चांद रातें होती हैं, ये मतलब। वाह, बहुत खूबसूरत। कई लोग ये भी सोचते हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कई लोगों से, और शायद मुझे ऐसा समझ में आया उनकी बातों से, कई लोग आपको प्रोफेशनल राइवल समझते रहे कई सालों तक, कि भाई ये तो दोनों एक ही तरह के दो लिखने वाले हैं, इनकी तो आपस में दोस्ती नहीं होगी। अब हकीकत आपको पता है, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहा है पिछले कई साल? नहीं, देखिए, एक तो ये तो कोई सवाल ही नहीं इसमें, मतलब मुझे कभी एक सेकंड को नहीं लगा कि हमारी रिलेशनशिप में इस तरह की कोई तनाव या तलखी या कोई एक मुकाबले का मिजाज है ही नहीं, और है ही नहीं। और दूसरे सच बात यह है कि हमारा लिखने का अंदाज भी बहुत अलग है, बहुत अलग। एक ही बात कॉमन है कि दोनों अच्छा लिखते हैं, बाकी जो है माफ़ कीजिएगा कितना मैं इंकसार करूँ, अब झूठ तो नहीं बोलने लगूँगा ना ह्यूमिलिटी में, तो ये बिल्कुल अलग। और कोई सवाल ही नहीं, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, बल्कि आप ये देखिए हमेशा जो वाकई अच्छे जैसे फैज़ और मजाज बेहतरीन दोस्त थे, बेहतरीन दोस्त थे। या आप ये देखिए कैफ़ी साहब और सलाल जाफरी, मतलब सगे भाइयों जैसा रिश्ता था उनका। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक वोकेशन में हैं या एक काम में हैं तो आप दूसरे से जलने लगें। हसद सिर्फ उस आदमी में आ सकता है, जेलेसी सिर्फ उस आदमी में आ सकती है जिसमें कहीं कुछ खुद एतमादी की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, वरना तो अच्छा काम देखे हो तारीफ़ करें। मैं तो कितनी बार हुआ गुलजार साहब से पूछे कि मैं एक गाना सुन रहा हूँ जो इन्होंने आज से 20 साल पहले लिखा था, कहीं मुझसे मिस हो गया, और उसका एक अंतरा मैं सुन, तब मुझे समझ ये किसका गाना है, ये तो गुलजार साहब का है। मैंने इन्हें फ़ोन किया कि गुलजार साहब ये गाना आपने कब लिखा था, ये नहीं पूछा कि आपका गाना है कि नहीं, और ये तो कमाल का अंतरा है। ये सही कह रहा हूँ गुलजार साहब जी? जी, तो ये तो आप अगर एक अच्छी चीज़ को अच्छी चीज़ नहीं समझ सकते, अच्छे काम को अच्छा काम नहीं समझ सकते, तो ये आपकी बदनसीबी, उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला। बल्कि ये अर्ज़ करूँ कि मुझसे जो अक्सर कहा जाता है, मैं रेफरेंस में कहा जाता है कि आप अच्छा भला लिखते थे, मोरा गोरंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे, अब ये अरे बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया कहाँ से आ गया भी, ये आप क्यों करने लगे। और मुझे जावेद साहब ने दाद दी थी, और यकीन मानिए कि बहुत से जो ऑडियंस में बैठे हुए पूछते हैं, और जब मैं उन्हें कहता देखे ये तो जावेद साहब को भी बहुत पसंद आया था, तो फिर खामोश हो जाता, तो मुझे तो गवाही मिल जाती है। नहीं, हम लोग जयपुर में एक बार थे, हम लोग एक ही स्टेज पे जयपुर में थे, और किसी ने कहा, तो मैंने कहा मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं रश करता हूँ एनी वी हिम कि ये गाना उन्होंने लिखा, काश मैंने लिखा होता, ये कमाल का गाना है। वो गाने को देख के आप कह सकते हैं कि एक फिल्म के लिए लिखा गया है, वो गाने की एक एक लाइन ऐसी है जो ऐसा लगता है कई सौ साल से लोग गा रहे होंगे, ये फोक सॉन्ग है। हाँ नहीं, और बत्ती तो वहाँ भी जल गई थी जी। कहते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव मिले तो बत्ती जलती है, अब नेगेटिव मैं ही होगा, आप तो नहीं हो सकते। गुलजार साहब, आपके गानों में एक
इत्मीनान पसंदी, एक ऐसा ज़माना जब थोड़ा रेस्टलेसनेस रहती थी दिलों में, उस ज़माने में इत्मीनान पसंदी की आपने बात की और उनको हर हाल में खुश रहने का एक जज्बा जो होता है वो जगाया। वो गाना था थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी भी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। एक ट्रक ड्राइवर गा रहा है, अब ट्रक ड्राइवर से बुरी नहीं कह सकते लेकिन वैसी ज़िंदगी आप नहीं चाहेंगे कि हो क्योंकि उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन ट्रक ड्राइवर बहुत रूमानी अंदाज में गा रहा है कि राह पे रहते हैं सड़कों पे गुजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये शायद उस वक्त ही बड़ी ज़रूरत भी थी। तो ये जो अलग अलग भाव हैं, बड़े नरमी के जो भाव हैं ज़िंदगी के सारे भाव में, जो सबसे में जो सॉफ्टनेस ला सकने का जो एक काबिलियत थी आपकी, उसके बारे में बताएं। मैं अर्ज करूँ कि मैं, जैसे मैंने शुरू में कहा और मजाक भी नहीं है, कि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। ये सही है कि मैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे थे अगर मैं कॉलेज में फेल हो चुका था, तो मेरी ज़बान एक हद तक रही जो मैंने अपने माहौल से उठाई, और वो माहौल दिल्ली का पार्टीशन से पहले का जी। उससे पहले के माहौल में जो कोई थोड़ी बहुत ज़बान सीखी थी, तो एक मुझे रहमान हमारे मौलवी साहब थे, वो गुनगुना के और तरन्नुम में पढ़ते थे गज़ल और सिखाया करते थे उसके माने, तो जो बच्चों को सिखाने की ज़बान वो इस्तेमाल करते थे तो वो उतनी मुश्किल ज़बान नहीं थी, और जिस तरह पढ़ाते थे हमें, तो मैंने जो सीखा या उर्दू ज़बान सीखी वो अपने माहौल से, आसपास से, और रायों की ज़बान जो बागों के ठेके लिया करते थे वो माहौल था हमारा, तो वो सीखी। और बल्कि पार्टीशन के बाद जब हिंदी आई है तो माफ़ कीजिएगा, मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता हूँ अभी भी और ना लिखता हूँ, मैं आज भी उर्दू ही में लिखता हूँ, उर्दू ही में पढ़ता हूँ, तो थोड़ी बहुत देवनागरी वो साइन बोर्ड देख देख के सीख गए, क्योंकि बड़ी आसान है देवनागरी, बहुत आसान ज़बान है। और बोली जावेद साहब ने ज़बान सीखी, और आज भी मैं कई बार लफ्ज़ों के मानी में किसी लफ्ज़ के तलफ़ुज़ में भी फंस जाता हूँ तो आपको फ़ोन करता हूँ, और या जावेद सदीकी साहब को तो फ़ोन करता हूँ और उनसे पूछता हूँ, तो इसलिए मेरी ज़बान उस माहौल में और उसी क्लास में और स्कॉलरली नहीं, वो आम आदमी की ज़बान से जहाँ से जो सीखा अब तक वही की वही है, और उसके वो इस तरह के अल्फाज आते हैं। ये ज़रूर है कि एहसास अलग होता है कई बार, एक लफ्ज़ की परतें नज़र आती हैं। जावेद साहब ने भी एक जगह कहा है कि अल्फाज के रंग होते हैं, लफ्ज़ों के रंग होते हैं, जो आपने कहा है एक जगह जो पढ़ रहा था मैं, और ये सही है कि उनके रंग पहचानने वाली बात है, और मुझे अल्फाज के कई शेड्स नज़र आते हैं, वो एक प्रिज्म की तरह हैं, प्रिज्म में जैसे किरण पड़ती है और कितनी तरह से उसके रंग निकल आते हैं, और मुझे उर्दू के अल्फाज बिल्कुल उसी तरह से अल्फाज नज़र आते हैं कि उसमें से प्रिज्म से निकलते हुए कलर्स हैं, जो जिसको छू जाए, जो जिसको नज़र आ जाए, तो इसलिए मैं, मेरा ख्याल यही पूछा था आपने। एक सेकेंड, मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, मुझे एक किस्सा, छोटा सा वाक़या है वो याद आएगा, लेकिन वो मैं नहीं सुना सकता हूँ, वो शबाना सुना सकती हैं। वो जो एक धुन थी जो तुमने, तो आपको ज़रा फ़र्क समझ में आ जाएगा। जी, एक किस्सा है कि मैं, एक धुन थी जो मेरे दिमाग में अटकी हुई थी, पता नहीं कहाँ से आई थी, ला 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 ला। तो मैंने गुलजार साहब से कहा अलग, आपको याद है ये वाक्य, और मैंने जावेद साहब से कहा अलग कि प्लीज़ इस पे कोई रोमांटिक बात लिख दीजिए, तो एक मिनट के अंदर, दोनों ने एक मिनट के अंदर लिखी, तो हाँ अलग, नॉट इन द सेम कमरा, हाँ दे वर इन टू डिफरेंट प्लेसेस। तो गुलजार साहब लिखते हैं, आ जा रे पिया मोरे आका से कहूँ पिया रे मोरा लागे ना जिया। जावेद साहब कहते हैं, जा तो से नहीं बोलूं ओ जा रे तू ना मेरा सनम तू ना मेरा पिया। दैट्स द डिफरेंस।
और मैं अरकरम जावेद साहब की इस किताब में यही है कि वो झलकियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, कोलाज है, ये बिल्कुल सही आपने फरमाया कि इसकी जो झलकियाँ हैं वो चुनी हुई हैं, इसलिए वो बहुत खूबसूरत लगता है। वो हालांकि पूरी शख्सियत अल्फाज में, मैं एक तरह से कहूँ कि वो अल्फाज में आपको अगर आपकी शख्सियत को बता जाए तो वो महदूद हो जाती है, वो बढ़ती नहीं है। ये ही इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, वो मुकम्मल नहीं होती बात, वो महदूद हो जाती, कम होने लगती है, क्योंकि पूरी शख्सियत जो जानता है, क्योंकि मैं, मेरा ख्याल है मैं पूरा तो आज भी नहीं जानता लेकिन बहुत जानता हूँ इनकी शख्सियत को, जावेद साहब की, इसलिए मुझे वो छोटी लगती है। तो अच्छा है वो झलकियाँ देखी हमने इस किताब में, तो वो बहुत अच्छा लगा। एंड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरा हर दो मिनट के बाद या तीन मिनट के बाद आपको कुछ कुछ खिल जाता है इनके साथ बात करते हैं। दो मिनट के बाद, डेढ़ मिनट के बाद कुछ ना कुछ खिल जाता है, ये सही। अच्छा मैं कहूँ कि मैं ये मैं इजाज़त है मैं अब आज बोल रहा हूँ जिस तरह से महसूस करता हूँ आपकी शख्सियत को, कि मैंने इन्हें लड़ते हुए नहीं देखा है, जोश में देखा, गुस्से में नहीं देखा, क्योंकि जब ये गुस्से में, गुस्से की बात अपने जोश में करते हैं तो कहीं कहीं किसी जुमले में वो, मेरा ख्याल है वो ह्यूमर इनके अंदर जो पैदा होता है वो उससे प्रिक करते रहते हैं उसे, तो वो कभी भी झगड़े की शक्ल नहीं बनता। ये एक बड़ी कमाल की खूबी देखी है इनके बयान में, इनकी बातों में, कि बात करते हुए जोश से आपके खिलाफ बोल रहे हैं, बोलते हुए बीच में कोई एक जुमला आएगा जो विच क्रिएट्स अ ह्यूमर एंड इट्स नेवर एंग्री। वो अच्छा रूठ जाते हैं लेकिन नाराज नहीं होते, कुछ ऐसा लगता है रूठे हुए लगते, रूठ गए किसी, लेकिन सिस्टम से भी जब वो अपनी बातें टीवी पर भी करते हैं रूठ ज़रूर जाते हैं कि आपके ख्यालात सही नहीं है, ये समाज में ये नुकसान है और ये समाज के खिलाफ जा रही है और ये बात हरगिज नहीं होनी चाहिए, लेकिन रूठे हुए लगते हैं, वो उस पर गुस्सा नहीं कर रहे। वो ये एक कमाल की खूबी है इनकी बातचीत में, इनके गुफ्तगू में जो मैंने महसूस की। और दूसरी वो खुद बता चुके हैं, मेमोरी इनकी माशाल्लाह, मेरा ख्याल एक लाख डेढ़ लाख शेर तो याद होंगे आपको, इतने तो होंगे कम से कम, लाख डेढ़ लाख तो होंगे, एक लाख तो होंगे, चलिए कुछ रियायत करते हैं कुछ है। मैं सिपी फिल्म्स में जब मुलाकात हुई, मैं तो मद्दा इनका वहीं से बन गया था, वहीं से एडमायर करने लगा इनके याददाश्त, इनकी इनका शौक, इनका इश्तियाक, इनकी इनका चुनाव इंतखाब अदब का, ज़बान का। अब नज़्म याद रह जाती है लोगों को, शेर याद रह जाते हैं, एक बार सुनते हैं तो इन्हें याद रहता है। अभी कुछ रोज़ पहले भी आज की पौध के लिखे हुए अशार इनसे सुन रहे थे कि उसमें चुनिंदा अशार क्या हैं, आज के शायर किस तरह बात कर रहे हैं, आज के नौजवान किस तरह लिख रहे हैं। और ये कृष्ण चंद्र का अफसाना पूरा सुना जाते थे, पूरा अफसाना उनका। मुझे मेरी याददाश्त नहीं है, उस तरह कह नहीं पाता, लेकिन जब ये सुनाते वो उस पैराग्राफ पे आते थे और कमाल करते थे कि अफसाना कृष्ण चंद्र का महालक्ष्मी के पुल, महालक्ष्मी तो मैं तुमसे इश्तराकी बनने को नहीं कहता, मैं तुम्हें कम्युनिस्ट होने को नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ तुम महालक्ष्मी पुल के इस तरफ हो या महालक्ष्मी पुल के उस तरफ। तो जब सुनाते थे तो नज़्म की तरह मसनवी सुना गए पूरी। ये बहुत बहुत कम क्या, मुझे तो और कोई नज़र भी नहीं आया जो इस तरह से मसनवी की तरह सुना दे और ये बात कर जाए। परछाइयाँ, मुन्नी कबीर आने वाली थी, मुन्नी कबीर ने मुझे उसके जल्द पीछी तो मुझे साहिर साहब ने वो दी थी परछाइयाँ की कॉपी, तो मेरे पास थी महफूज अब तक, तो उन्हें वो साहिर साहब पर वो एक डायरी बना रही, उसमें परछाइयाँ फिल्म का जिक्र आया, मैं परछाइयाँ किताब का जिक्र आया तो मेरे पास एक थी, मैं कहा मैं ढूंढता हूँ मैं निकाल लूँगा, है मेरे पास। तो मैंने ऐसे जिक्र किया, फ़ोन किया जावेद साहब को, तो मैं कहा किताब वो परछाइयाँ हैं आपके पास,
नहीं आप कहिए तो मैं सुना देता हूँ पूरी पूरी किताब है परछाई। आप क्या पूछ रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं उसमें? परछाइयाँ आज भी याद है, आज भी किसी वक्त आप कहिए पूरा सुना देंगे। हाँ, और मतलब कितने में मेरा जुड़ाव पता नहीं और किसका किस तरह है, लेकिन मेरा जुड़ाव मुझे लगता है कुछ अलग तरह से है। बहुत वो जादू और शहर, साहिर और जादू, वो एक वाक्या है, वो अभी नहीं सुनाना चाहता, वो उदास हो जाती है, लेकिन आपने ट्रांसलेट किया तो लिखा है। जी हाँ, वो मुझे एक वाक्य सुनाया, ऐसी बात करते हुए जावेद साहब ने, तो अब मैं वो वाक्य नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन इतना बताऊँ कि मैंने वो लिखा और लिखने के बाद मैंने इजाज़त चाही, मैं कहा मैं ये लिख लूँ। मैं उस ज़माने में कुछ बायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरीज लिख रहा था कि जैसे बायोग्राफिकल नॉवेल्स होते हैं, वाई नॉट ए शॉर्ट स्टोरी, तो मैं कुछ बायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरीज इस तरह की जो, तो उस तरह से जिसमें वाकयात सही हो, नाम सही हो, जो वही बात हो जो हुई। तो जब वो वाकया सुना आपने, तो मैं कहा जावेद साहब मैं ये लिख लूँ। हाँ लिख लीजिए, इजाज़त मिल गई, मैंने लिखी, लिख के मैंने भेजी थी आपको ताकि अप्रूव करा लूँ, कोई गलत बात। तो उनका फ़ोन आया मुझे, कहने गुलजार साहब हदगर्दी, आपने मेरी ही बात पे मुझे रुला दिया। आई रिमेम्बर दैट हैपन। और वो है वो लिखी, तो ये इट्स एन वेल आई एम टॉकिंग ऑल दिस, इट्स इन द बुक एंड बियॉन्ड द बुक। आपकी जादूनामा, ये जादू जो उसमें है किताब में, और जादू के बाहर भी जी। उस किताब के बाहर अब हम एक इंटरेक्शन रखते हैं, आप लोग भी इनसे पूछिए, बात करें, अच्छा रहेगा अगर एक अच्छी सी बात हो। एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूँ, साहिर साहब के साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो बड़े कमाल है। साहिर साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि विविध भारती पे जब गाने आते थे तो उसमें गायक का नाम होता था और संगीतकार का नाम होता था, सिर्फ उतना। साहिर साहब ने प्रोटेस्ट किया और ये कि गाने राइटर्स एसोसिएशन पे पास कराए कि गाने नहीं दिए जाएंगे रेडियो पर, वो वहाँ नहीं जाएंगे जब तक गीतकार का नाम नहीं देंगे, और वो गीतकार का नाम शामिल हुआ साहिर साहब की वजह से। जावेद साहब जब राज्यसभा के मेंबर थे, ये आदमी अंडरस्टैंड एवरी मूव ऑफ पॉलिटिक्स विदाउट बीइंग अ पॉलिटिशियन, ये कमाल है जावेद साहब आपका। वो समझते हैं पूरी पॉलिटिक्स, बट ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। और ये राज्यसभा के मेंबर जब हुए, इन्होंने वो काम किया जो बहुत बड़ा साहिर साहब से भी आगे का, इन्होंने जो कॉपीराइट हर हिंदुस्तान के हर जबान के हर शायर हर अदीब हर राइटर के लिए, वो सांकल जो ब्रिटिश पीरियड से चली आ रही थी, जो अभी तक चूकती नहीं थी, कहीं ना कहीं हाथ में कहीं गले में पड़ी हुई थी, उससे आज़ाद करवाया हिंदुस्तान के हर राइटर को, हर शायर को। ये बहुत बड़ा काम है आपका। आई विश यू हैड स्पोक के आप इसकी तफसील अगर बयान करते तो इस किताब में महफूज हो जाती, ताकि वो तारीख के लिए सनद रहे पूरी तफसील के कैसे पहुँचे आप वहाँ तक। शुक्रिया, सॉरी आप।